नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इतने मतदाताओं की बढ़ी संख्या, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के जारी किए लिस्ट। किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है बिहार सरकार की यह योजना। बिहार के 15 जिलों के दियारा क्षेत्र में हुई तेज पुलिस कैंप की स्थापना। आधार कार्ड में बदलाव करवाना अब पहले से हो गया है आसान। आईसीसी ने T20 आई टीम ऑफ ईयर का किया ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रक्षा मंत्रालय के सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली भर्ती। रक्षा मंत्रालय के अधीन ASC सेंटर के सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती विभिन्न सिविलियन के कुल 71 पदों पर आए हैं, जिनमें कुक, ट्रेड्समैन, मेट, व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर और क्लीनर जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 फरवरी 2024 तक अपने आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र सीमा उनके पद अनुसार तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए इच्छुक है, वे इसके भर्ती विज्ञापन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर मांगे जा रहे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसके पते पर भेज सकते हैं। इसका पता है दी प्रेसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQASC सेंटर, साउथ 2, ATC अग्रम पोस्ट, बैंगलोर 07। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एक बार इसकी अधिसूचना को जरूर पढ़ लें। बिहार में इतने मतदाताओं की बढ़ी संख्या, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के जारी किए लिस्ट। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी लग चुका है। अब इसी बीच प्रदेश के फाइनल मतदाताओं की सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी की गई है। इस सूची के जरिए पता चला है कि प्रदेश में 12,09,347 मतदाता पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, जिससे अब प्रदेश में 7,64,33,329 मतदाताओं की संख्या हो चुकी है। इस आंकड़े से यह भी पता चला है कि हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 909 हो गई है, यानी लिंगानुपात पहले के मुकाबले करीब 2% तक बढ़ा है। साथ ही प्रदेश में युवा मतदाताओं की भी अच्छी संख्या देखने को मिली है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग की टीम फरवरी के महीने में बिहार दौरे पर आए, ताकि चुनावी तैयारियों और अन्य समीक्षा की रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जा सके। प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर पूरे बिहार में जुलूस, भंडारे और दीपोत्सव की रही धूम। बीते दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे बिहार भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर रंगमय नजर आया। प्रदेश में कई जगहों पर एक से एक शोभा यात्रा निकाली गई, तो कई जगह धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए हैं। बीते दिनों राजधानी पटना के महावीर मंदिर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी देखने को मिला है। इस्कॉन टेम्पल में इस अवसर पर करीब 1,00,000 दिए जलाए गए थे। वहीं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी 51,000 दियों का एक अलग ही चमक देखने को मिला। इसके अलावा भागलपुर और गया में भी अच्छा खासा उत्सव का माहौल देखने को मिला था। कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए थे। हर जगह सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले थे। इसके अलावा जनकपुर में भी कई शोभा यात्राएं निकाली गई। इस अवसर पर जनकपुर मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया था। यहां 1,25,000 दीपों के साथ दीपोत्सव मनाया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमीय चरण बनर्जी के बारे में। इनका जन्म आज के दिन यानी 23 जनवरी को वर्ष 1891 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय गणितज्ञ थे। लोग इन्हें खगोल भौतिकी और गैलेक्टिक गतिशीलता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भी जानते हैं। ये अपने विद्यार्थी जीवन में काफी होनहार छात्र रहे, इसलिए इन्हें उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई थी। इसके बाद इंग्लैंड में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपना योगदान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी दिया है। इन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में श्री चैतन्य कॉलेज के विकास में भी अपना योगदान दिया था। इसके अलावा वर्ष 1957 के दौरान आयोजित हुए अखिल भारतीय ब्रह्म सम्मेलन की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्हें वर्ष 1969 में मुंबई में आयोजित होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 56वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किया गया था, लेकिन इससे पहले ही ये 31 मई वर्ष 1968 में दुनिया को अलविदा कहते हैं। बीपीएल परिवारों को 26 जनवरी के बाद मिलेंगे 2,00,000 रुपए। गरीबों के उत्थान के लिए बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मिल सके, साथ ही उन्हें उद्योग से जोड़ा जा सके और पलायन रोका जा सके, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा नई योजना की शुरुआत की जाने वाली है। इस योजना के तहत प्रदेश में 94,00,000 गरीबों को उद्योग स्थापित करने के लिए 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ योग्य व्यक्ति 26 जनवरी के बाद ले सकते हैं। स्वरोजगार के लिए 2,00,000 रुपए की यह राशि 3 किस्तों में दी जाएंगी, जिनमें पहली किस्त में 25% तक की राशि, दूसरी किस्त में
50% तक की राशि और तीसरी किस्त में 25% तक की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि आप योग्य हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बीपीएल कार्ड के साथ आधार, पैन और राशन कार्ड भी होने जरूरी है। किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है बिहार सरकार की यह योजना। किसानों के हित में बिहार सरकार द्वारा देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2 और 4 गाय या बाछी हिफरी डेयरी इकाई की स्थापना करने पर प्रदेश सरकार ईबीसी एससी और एसटी समुदाय को 75% तक का अनुदान और बाकी अन्य वर्गों को 50% तक का अनुदान देती है। इसके अलावा 15 और 20 देसी गाय या बाछी हीफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लोगों को 40% तक का अनुदान बिहार सरकार देती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार की यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ दूध से बने कई चीज जैसे दही, मक्खन आदि का आप खुद भी लाभ ले सकेंगे। अग्निवीर की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। वैसे उम्मीदवार जो सेना भर्ती में जाने की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए जरूरी खबर है। दरअसल सेना भर्ती में जाने वाले सभी उम्मीदवारों की अब मानसिक जांच परीक्षा भी ली जाएगी। मानसिक जांच परीक्षा इसी वर्ष से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। यह परीक्षा अग्निवीर से शुरू होकर सेना के सभी भर्तियों पर लागू की जाएंगी। इस परीक्षा की शुरुआत भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों की जांच 3 पैरामीटरों पर होंगी। इन 3 पैरामीटरों में सबसे पहले जवान में इस चीज की जांच की जाएगी कि वे खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं दिखा रहे हैं। वहीं दूसरे पैरामीटर में इस चीज पर ध्यान रखा जाएगा कि वे किसी और को तो नुकसान पहुंचाने की मानसिकता तो नहीं बनाते हैं। वहीं तीसरे पैरामीटर में सामाजिक रूप से वे अपनी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं रखते हैं। यदि जवान इन तीनों में ही सही पाए जाते हैं तभी उनकी भर्ती सैनिक में होगी। बता दें कि इस तरह की मानसिक परीक्षा खुद को नुकसान पहुंचाने या अपने साथियों पर हमला करने या समाज विरोधी कार्यों में लिप्त होने के मामले को देखकर ली गई। बिहार के 15 जिलों के दियारा क्षेत्र में हुई 23 पुलिस कैंप की स्थापना। 23 पुलिस कैंप बिहार के 15 जिलों के दियारा क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। वहीं प्रदेश के 18 जिलों के दियारा क्षेत्रों की पहचान मिशन सुरक्षा के तहत की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 50 पुलिस कैंप इन इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में जो 23 पुलिस कैंप स्थापित होंगे और इनसे जो फीडबैक प्राप्त होंगे आगे इसी के आधार पर दूसरे चरण में कैंप की स्थापना होगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 23 पुलिस कैंपों में 8 पुलिस कैंप में एसटीएफ के चीता बटालियन के सदस्यों को तैनात किया गया है। वहीं 15 पुलिस कैंप में जिला पुलिस बल और 20 सैप के जवानों की तैनाती की गई है। 67वें नेशनल स्कूल फुटबॉल अंडर 14 में पहली बार बिहार बना चैंपियन। 67वें नेशनल स्कूल फुटबॉल अंडर 14 2023-24 का चैंपियन पहली बार बिहार बना है। झारखंड को हराते हुए खिताब बिहार ने अपने नाम किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन द्वारा कहा गया है कि पूरे टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कुल 29 गोल मारे और पूरी प्रतियोगिता में हुए 7 में से 1 मैच भी नहीं हारी है। आगे उन्होंने बताया कि बिहार के शानदार प्रदर्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा गोल करने वाला बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट प्लेयर का खिताब बिहार के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है। बता दें कि अनिल कुमार को पूरी प्रतियोगिता का बेस्ट प्लेयर और सबसे ज्यादा गोल करने का खिताब मिला है। इसके अलावा सासाराम के हिमांशु को बेस्ट डिफेंडर का खिताब और रितेश कुमार को फाइनल के बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित सूर्य देवता को समर्पित है जो हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर का स्वरूप उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसकी नक्काशी देखते बनती है। इतिहासकार के मुताबिक इसका निर्माण 6वीं और 8वीं सदी के मध्य में हुआ था। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर का निर्माण त्रेता युग यानी द्वापर युग के मध्य काल में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के पुत्र साम द्वारा 12 मंदिर बनवाए गए थे। यह मंदिर भी उन्हीं 12 मंदिरों में से एक माना जाता है। वैसे तो इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है लेकिन छठ पर्व के दौरान मुख्य रूप से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का मुख पश्चिम की तरफ से है। यदि आप धार्मिक स्थानों पर जाने का शौक रखते हैं तो इस मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिस। अधिकारियों और कर्मचारियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने की कवायद प्रदेश सरकार के सभी विभागों में देखने को मिल रही है। दरअसल 15 जनवरी तक समूह क, ख और ग के पदाधिकारियों और कर्मियों का ब्यौरा
देने का निर्देश गृह विभाग ने बिहार पुलिस समेत कई कार्यालयों और शाखाओं को दिया था, लेकिन अब तक इसका ब्यौरा विभाग के 16 शाखाओं के निकासी और व्ययन पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं दिया गया है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों को गृह विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है ताकि वे अपना ब्यौरा जल्द से जल्द तलब करें। आपको बता दें कि IPS से लेकर हर छोटे बड़े अधिकारी अपने संपत्ति का ब्यौरा गृह विभाग को देते हैं, लेकिन अब तक जिन अधिकारियों द्वारा ब्यौरा नहीं दिया गया उनके फरवरी माह के वेतन अवरुद्ध करने के साथ ही उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के लिए जारी हुए शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से विभाग ने इस शैक्षणिक कैलेंडर को लागू किया है, जिससे प्रदेश के सभी 39 विद्यालयों का संचालन आने वाले नए सत्र से इसी शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि आरक्षित वर्ग की छात्राओं के लिए संचालित हो रहे इस स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक साल में 3 इन स्कूलों में परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें 22 जुलाई से पहले टर्म की परीक्षाएं होंगी, 25 नवंबर से दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी और फिर अंतिम फाइनल परीक्षा आयोजित होगी। आधार कार्ड में बदलाव करवाना पहले से हो गया है आसान। देश भर में आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। भारत में कहीं भी आपको अपना बैंक खाता खुलवाना हो या सिम कार्ड लेना हो, इसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन कई बार हमारे आधार कार्ड में कई तरह की गलतियां होती हैं, जिसे सुधरवाने के लिए हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसे सुधार करवाने को लेकर UIDAI द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब आधार में किसी भी प्रकार के सुधार करवाना पहले से आसान हो जाएगा। पहले आधार में सुधार के लिए सेंटर पर जाना होता था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन करने की तैयारी है ताकि आधार में हर छोटे काम के लिए आपको आधार सेंटर पर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके तहत नया आधार कार्ड बनवाने हो या फिर आधार में किसी तरह का अपडेट करवाना हो, इसके लिए पुराना फॉर्म को नए फॉर्म में बदला गया है। नए फॉर्म में आपको कुछ विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसके तहत फॉर्म 1 को 18 साल से ऊपर का व्यक्ति भर सकता है। यदि आपको किसी भी तरह के करेक्शन या अपडेट करने होंगे तो आप इस फॉर्म के जरिए कर सकेंगे। कई जगहों पर धूप निकलने से ठंड से मिली राहत। बिहार में ठंड का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में शीतलहर देखने को मिली। मौसम विभाग द्वारा 23 जनवरी तक पटना में अलर्ट जारी किया गया था, जिस वजह से कई निजी और सरकारी स्कूल को बंद करने के आदेश भी दिए गए थे। मौसम विभाग की माने तो वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की तरफ बड़ी तेजी से ठंडी हवा सतह की तरफ आ रही है, जिस वजह से प्रदेश में काफी ठंड का एहसास हो रहा। हालांकि बीते दिनों कई जगहों पर धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। राज्य में 1 या 2 स्थानों पर आज शीत दिवस होने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही राज्य के 1 या 2 स्थानों पर घना कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 16 से 18 डिग्री के बीच रहने वाला है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री और 6 से 8 डिग्री के बीच रहने वाला है। KK पाठक ने जिलाधिकारियों को दी हिदायत। पटना जिलाधिकारी ने 1 से 8 तक के स्कूल ठंड को लेकर बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर KK पाठक ने जिलाधिकारी के इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भी KK पाठक ने छुट्टी देने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की बात कही थी। अब शीतलहर में स्कूल को बंद करने के विरोध में KK पाठक ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि धारा 144 का दुरुपयोग ना करें। पत्र में उन्होंने धारा 144 को समझाते हुए छुट्टी वापस लेने की भी बात कही। अब आम लोग इस समय पर कर सकेंगे अयोध्या राम मंदिर के दर्शन। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा, तब भक्त रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पहले दर्शन करने की यह अवधि 6 बजे तक ही थी। वहीं आज से ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से गर्भगृह की साफ सफाई, पूजन और श्रृंगार की तैयारी की जाएगी। उसके बाद 4 बजे के करीब में भगवान के दोनों विग्रह और श्री यंत्र को मंत्रों से सजाया जाएगा। उसके बाद मंगला आरती की जाएगी। उसके बाद विग्रह का अभिषेक, श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती 4:30 बजे से 5 बजे तक होगी। फिर 8 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे। फिर दोपहर 3 बजे से जो दर्शन शुरू होंगे वो रात के 10 बजे तक चलेंगे। साथ ही इस बात की सूची भी तैयार की गई है कि श्री राम किस दिन कौन से वस्त्र धारण करेंगे। शिक्षा मंत्री आलोक मेहता KK पाठक के हुए मुरीद। बीते ही दिनों आलोक मेहता ने नए शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कार्यालय में कई पदाधिकारी आलोक मेहता के स्वागत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव भी KK पाठक शिक्षा मंत्री के स्वागत के लिए मौजूद देखे। इस विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर आलोक मेहता ने सबसे पहले
सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा विभाग में विगत कुछ महीनों में काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं, उन्हें और सुदृढ़ करने के प्रयास करेंगे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने के पाठक की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि के पाठक अनुशासन प्रिय पदाधिकारी हैं। इन्होंने राज्य भर के स्कूलों का दौरा कर पढ़ाई में अनुशासन के महत्व को न सिर्फ बताया है बल्कि उसे जमीन पर भी उतारा है। इनके कार्यकाल में विद्यालय समय पर खुलने लगे और शिक्षक भी आने लगे हैं, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। फिर आगे उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि भविष्य में भी के पाठक ऐसे ही काम करते रहेंगे। मदन सैनी ने बताया कर्पूरी जयंती समारोह का प्लान। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी की तैयारी को लेकर कहा है कि बिहार में अति पिछड़ों को राजनीति की मुख्यधारा में लाने का जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को राजनीति के केंद्र में लाने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने शिक्षा, विकास और सरकारी सेवाओं में समाज को आरक्षण देने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है। तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि समारोह में 25,000 से ज्यादा लोगों का इंतजाम उनके स्तर से किया गया है, जिनके रहने खाने के लिए उनके सरकारी आवास परिसर में बने विशाल पंडाल और अन्य जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। जदयू से इस्तीफा देने के बाद सुनील सिंह का बयान आया सामने। जदयू से इस्तीफा देने वाले सुनील सिंह का बयान सामने आया है। दरअसल ईटीवी के साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि आज कल नीतीश कुमार भटक गए हैं, पार्टी में गिरोह का काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व मुखदर्शन बने हुए हैं, पार्टी में गुटबाजी चल रही है, कभी भी कोई किसी को पटक रहा है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कोई नहीं सुन रहा, कर्पूरी जयंती में ही कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कार्यकर्ता के स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा जा रहा, सिर्फ झंडा ढोने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आईसीसी ने T20I टीम ऑफ ईयर का किया ऐलान। T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का ऐलान आईसीसी द्वारा किया जा चुका है। इस ऐलान के दौरान भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों का नाम शामिल रहा। बता दें कि सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने T20 टीम का कप्तान बनाया है। वहीं स्पिनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह को भी टीम में जगह मिली है। ओपनर यशस्वी जायसवाल भी टीम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा T20I टीम ऑफ द ईयर में जिन खिलाड़ियों का नाम शामिल है उनमें टीम के ओपनर के तौर पर भारत के यशस्वी जायसवाल और इंग्लैंड फिल साल्ट को जगह मिली है। इसके अलावा 3 नंबर पर वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को जगह मिली है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बने हैं, इन्हें नंबर 4 के लिए जगह दी गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। आज के दिन वर्ष 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत ने पाक को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत और रूस के बीच मध्यम आकार के बहुउद्देशीय परिवहन विमान के उत्पादन के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 2008 में खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहरीन में अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की योजना बनाई थी। आज के दिन वर्ष 2009 में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया था। आज के दिन वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने की बात कही थी। गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की थी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड से मिलने वाले लोन के बारे में। सोशल मीडिया के इस जमाने में कई ऐसी चीजें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में हमें एक और खबर देखने को मिली जिसके मुताबिक यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार आधार कार्ड धारियों को लोन दे रही है। आगे इस वायरल खबर में दावा किया गया कि इस लोन को पाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको लोन के तहत 4,78,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब PIB फैक्ट चेक पर हमने इसकी पड़ताल की तो हमने पाया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB के आधिकारिक वेबसाइट पर इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार देते हुए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि इस तरह के मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है जिसके तहत आपको आधार कार्ड के जरिए ये लोन दिए जाएंगे। ऐसे फर्जी खबरों के चक्कर में आपका वित्तीय या निजी नुकसान हो सकता है। पर्यटन के मामले में तिरुपति और स्वर्ण मंदिर को भी अयोध्या का राम मंदिर छोड़ेगा पीछे। आने वाले समय में अयोध्या में बनना राम मंदिर बड़ी ही तेजी से मुख्य पर्यटन धार्मिक स्थलों में शामिल होने वाला है। दरअसल संभावना जताई जा रही है कि अयोध्या में हर वर्ष कम से कम 5 करोड़ श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन के लिए आ सकते हैं।
अभी तक स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर ही ऐसे थे जहां सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन अब अयोध्या का राम मंदिर इन सभी मंदिरों से पर्यटन में सबसे आगे निकल सकता है, क्योंकि राम मंदिर में करीब 3 से 3.5 करोड़ पर्यटक ही पहुँचते हैं। वहीं तिरुपति मंदिर में 2 से 3 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है, लेकिन अयोध्या में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के हर वर्ष आने की संभावना जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का यह शहर एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। हवाई अड्डे के अलावे यहाँ के विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क के साथ साथ नए होटलों के निर्माण से अयोध्या के भव्य राम मंदिर को पर्यटन के मामले में गतिविधि मिलेगी। व्हाट्सएप पर इन तरीकों से हो सकते हैं आप साइबर फ्रॉड के शिकार। इंटरनेट के इस जमाने में साइबर फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। साइबर अपराधी लोगों को झांसा देने और उनसे धोखाधड़ी के कई पैंतरे अपनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय के पुलिस थिंक टैंक ने व्हाट्सएप यूजर्स को चेतावनी दी है। दरअसल व्हाट्सएप पर जालसाज अपनी पहुंच बढ़ा रहे। वे व्हाट्सएप मिस्ड कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पर नौकरी के ऑफर, निवेश योजना, पहचान बदलकर जालसाजी, सेंधमारी और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए धोखाधड़ी करने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप यूजर्स को सलाह दी जाती है कि यदि इनमें से किसी भी प्रकार की जालसाजी के प्रयास आपके साथ करने की कोशिश की जाती है तो उससे बचने के प्रयास करें, नहीं तो इन पैतरों को अपनाकर ये साइबर अपराधी आपको वित्तीय नुकसान या अन्य कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों से उलझना पड़ सकता है महंगा। कई बार सरकारी कामों में परेशानी या समय पर ना होने की वजह से और बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की वजह से लोग सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर चिल्ला उठते हैं। मामला तो कई बार यहाँ तक पहुँच जाता है कि बात हाथापाई तक आ जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से बदसलूकी करना आप पर कितना महंगा पड़ सकता है? आपको बता दें कि यदि आप ऐसा करते हैं तो कई बार ऐसे मामलों में शिकायत हो जाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कभी भी सरकारी अस्पताल हो या सरकारी दफ्तर, कभी भी यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों से बदसलूकी, हाथापाई या ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने, ऑप्शन बी है राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने, ऑप्शन सी है पीएम मोदी ने, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। हाल ही में कहां में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है बेंगलोर। हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 18 जनवरी को, और ऑप्शन बी है 20 जनवरी को, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी है 22 जनवरी। इसका सही उत्तर है 20 जनवरी। बिहार में कहां पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए है बंजारी में, ऑप्शन बी है रीगा में, ऑप्शन सी है अमझोर में, ऑप्शन डी है पंडौल में। इसका सही उत्तर है अमझोर, रोहतास में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है जूट। इसका सही उत्तर है चीनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, मुकेश, राजीव कुमार, ललन राय, धर्मेंद्र पासवान, तबरेज आलम, अंजू कुमारी, छोटू राजा, गोलू कुमार, शोभानंद ठाकुर, मनीष कश्यप, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास, अशोक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप कभी फर्जी खबरों से दिग्भ्रमित हुए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।